प्रत्येक सर्वम गच्छ पे अमित तोमर साहब के जो तोमर साहब का बयान है वो सियासी बने बयान है, वो आप जानते हैं कि सारे देश विच विरोध है। पुणे बहुत वड्डा महाराष्ट्र का कट होया सी, बंगाल विच बहुत वड्डे कट होए है, क्योंकि आ दिल्ली दे नेड़े जिहड़े सूबे है उस किसान पहुँच सकते हैं ताइयों उत्थे पहुँचे है, बाकी हर स्टेट दे विच। मैं तोमर साहब नूं दूजा सवाल पुछदा पाउणा है, एक किसान जथेबंदी हिंदुस्तान का नाँ लै लियो जिन्हें इहदा स्वागत किया, एक भी किसान जथेबंदी, एक भी पोलिटिकल पार्टी जिहड़ी किसानी नाल संबंधित है जिहने स्वागत किया, अपने आप ही जवाब मिल जाऊगा। सो मैं यही कहना कहना कि देश के प्रधानमंत्री को दुनिया की आवाज़, देश की आवाज़, देश के किसान की आवाज़ सुननी चाहिए है, जिद नहीं फड़नी चाहिए, इमीजिएटली सारे कानून ड्रॉ करने चाहिए। दूजी गल मैं कहना चाहना है कि जेडे आ कमेटी के इलैक्शन हूँ डिकलेयर किया, मुख्यमंत्री कहना चाहना जे तुसी कागजी नामजद नहीं कराने से, जे तुसी कागजी रिजैक्ट कराने से ओपोजिशन के, ऑपोजिशन के कागज भरने नहीं देने से, तो फिर तुसी नॉमिनेट ही कर देंगे, फिर इलैक्शन कराने का फायदा की है? तो हुण तुसी अफसर अपने पुलिस राही जिन्हें श्रोमणी अकाली दल के कैंडिडेट है उन्होंने धमका रहे हैं, इंक जिहड़ा बेचारा इनकम सेल टैक्स ना डील करता उहदे सेल टैक्स की रेट पै गई, जिहड़ी कोई बिजनेस है पोल्यूशन की रेट पाई जाते हैं, जिहदे कोले अपने दूजा पुलिस की जोर पाई जाते हैं, आ दिखावा करन दी की लोड़ है? आ जिहड़ा कमेटी का इलैक्शन कारपोरेशन इलैक्शन एक दिखावा रह गया, आ कोई इलैक्शन नहीं है, असली पता लगू कैप्टन साहब नूं ते कांग्रेस नूं 8 महीने बाद, वध तो वध की कर लेंगे 8 महीने तक MC रहेंगे ना, उहदे बाद की होगा? मैं अफसर सभा नूं बेनती करना चाहुंदा है तुसी इन्नी थल्ले ना लग जाओ कि जिहड़ी अफसर की जिहड़ी हुंदी है क्रेडिबिलिटी उही खत्म हो जाए। जय जी हालात बनी पई है, पुलिस आप अगे होके धक्का करा रही है, आप अगे होके पत्थर फुला रही है, आप अगे होके लड़ाई करा रही है, हुण भिक्की वंड की होया? पहले दूजी पार्टी के उम्मीदवार कागज भरन गए से उन्होंने भरन दिता, श्रोमणी अकाली दल दे गए से उन्होंने भरन दिता, साढ़े उत्थे भिक्की वंड जिथे साढ़ा दफ्तर उत्थे आके कांग्रेस तो हमला कराया पुलिस ने, तो उहदे बाद साढ़े ही बंदे ने परचा देता, आ कोई इलैक्शन है? इस करके आ इलैक्शन मैं कहना चाहना आ दिखावा है, तो इलैक्शन इलैक्शन नहीं है। कारण की नजर आ रही है बाकी पार्टियां ने वो कहंदियां ने कि ये जेडे हालात जिद्दा दे अज नजर आ रहे ने इहदी शुरुआत करन वाला भी अकाली दल ही है, उहनां दी सरकार। एक गल दसो, फॉर एग्जाम्पल गल मान लीए, थोड़ी गल भी मान लीए, शुरुआत अकाली दल की, इहदा मतलब हुण इहनां ने करना है? शुरुआत किहने कीती, कदों कीती, उह गल गलत है जिन्हें कीती गलत है, पर इहदा मतलब नहीं है कि तुसी हुण इहदा मतलब मन गए कि गुंडागर्दी इन्होंने की ना, इहदा मतलब जे कांग्रेस ने कहता इहदा मतलब मन गए है, फिर इहदे बाद की कि मैनूं खुद कहण दी लोड़ ही नहीं जी, वो आप ही मन गए। कारण की क्यों कीती जा रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि उहदी जमानत जब्त होनी है, जे साडे कैंडिडेट 400-500 कैंडिडेट साडे अकाली दल दे जिहड़े इन्हां ने रद्द कैंडिडेट गए, सारियां सीटां जिहड़ियां देख रहे जिहड़ियां जित रहे सी असीं, उहनूं रद्द कराउण दा की लोड़ है स्पैसिफिकली? क्योंकि उन्हें पता कि हार जानी है, रद्द करा दो। आमला तो बेटे की वीडियो है क्लीन चिट नहीं मिल सकती, उन्होंने जिन्ना मर्जी पुलिस करे कानून है क्लीन चिट नहीं मिल सकती। मेरी सिक्योरिटी ने CSF ने आप रिपोर्ट लिख के उत्ते भेजी है होम मिनिस्ट्री को कि जिथे उन्होंने क्लीयर किया कि वो अगे लीड कर रहा है, वीडियो है जिवें मॉब लीड करता है, की कर लेंगे पुलिस से 1-2 महीने क्लीन चिट दे देंगे, उहदे बाद किधर की इधर जाऊगी क्लीन चिट? जेकर एक एड्डी वड्डी पार्टी दे एक प्रधान दे उपर इदां हमला हुंदा तां हुण जिहड़ी चोण होणी आ उदों तां मैं उही कह रहा कि जे एक इंसाफ लैण वास्ते कोई बंदा जाए ते उहदे ते हमला हुंदा है एक पार्टी दे प्रेजिडेंट, तो यह मतलब कि यह तो वही गुंडागर्दी की हो सकती है, केड्डी वही हौसला की हो सकता है? मैनू लगता नहीं कोई होगा इलैक्शन ही फ्री है, फिर की आता पुलिस आ जोड़ा है गुंडागर्दी? मैं तुम दसा जिमें लग रहा है, मतलब कांग्रेस के सब तो व्डे गुंडे तो पंजाब पुलिस होगी,
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ।